कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के तत्वाधान में भागलपुर जिले के बरारे स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में 51 निर्धन असहाय कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 41 कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज से एवं 10 कन्याओं का मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रविकांत मिश्रा, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, पूर्व उप महापौर सह वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, भागलपुर के उप महापौर डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन अहसन, सचिव विकास कुमार माली ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर संस्था के सचिव ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना एवं सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन करना, और यह भी कहा कि संस्था महिला सशक्तिकरण को लेकर दृढ़ संकल्पित है। भागलपुर व आसपास के जिलों के कन्याओं का चयन किया गया और 51 कन्याओं की सामूहिक विवाह कराकर यह भी संदेश दिया गया कि संस्था हर निर्धन परिवार के साथ है। जो बेटियों को बोझ समझते हैं वो अपनी बेटियों को बोझ न समझे, संस्था में आकर मिले, उन्हें सहयोग करते हुए सम्मान के साथ विवाह कराकर विदाई करने का कार्य करेगी। सम्मान समारोह से पहले बाल विवाह दहेज प्रथा के बहिष्कार की जागरूकता के लिए प्रभात फेरी सह जागरूकता फेरी निकाली गई, जो भागलपुर जिले के बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रारंभ होकर तिलकामांझी चौक, कचहरी चौक, घंटाघर, खलीपाबाग चौक, कोतवाली, बूढ़ानाथ मंदिर, आदमपुर होते हुए पुनः पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में पहुंची, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जयमाला कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और सभी जोड़े अपने अपने विवाह मंडप में जाकर हिंदू रीति रिवाज, मुस्लिम कन्याओं को मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह पढ़ाकर विवाह संपन्न किया गया। विवाह पश्चात सभी नवविवाहित कन्याओं को संस्था सचिव विकास कुमार माली ने तोशक, रजाई, पलंग, तकिया, बेडशीट, गोदरेज, बर्तन सेट, वरवधु श्रृंगार, वस्त्र इत्यादि देकर उनके मंगल कामना करते हुए विदा करने का कार्य किया। इस कार्य में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे और नवविवाहित जोड़ा को आशीर्वाद दिया। वहीं गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, साथ ही कहा कि लोग दहेज लेना नहीं छोड़ रहे हैं, इसे खत्म करना जरूरी है, इसके लिए इस पहल की मैं सराहना करता हूँ। बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं आज यहाँ आया हूँ अपने शादी करने के लिए, कि इसके लिए कि विकास जगह सोसाइटी की तरफ से आया हूँ शादी करने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। एक विवाह हो रहा है, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हैं आप? पैर से विकलांग हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, यहाँ शादी हुई, क्या कहेंगे संस्थान को? क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? नाम बताएं, कहाँ से हैं? शादी के बारे में? अच्छी शादी है, अच्छा प्रयास है। जो लोग बेटी को बोझ समझता जी, उसको क्या लगा? बेटी को बोझ तो समझना ही नहीं चाहिए, हमारी भी बेटी है। दहेज वगैरह को लेकर के क्या राय है आपकी? दहेज तो अभी साफ है। ये जो हमने भंडारा किया है, लगभग लगभग 7-8 हज़ार लोगों का व्यवस्था किया है, जिसमें कि पूर्णिया, भागलपुर के आसपास के करीब करीब 150 किलोमीटर के रेंज के जो जितने भी ग्रामीण लोग हैं, जिनके बच्चों का हमने शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पे हैं, उन सब के लिए व्यवस्था किया है। इसके अलावा जो हमारे अलग अलग जिला से जो टीम के लोग आए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। सामूहिक विवाह कराने का मेन उद्देश्य हम लोग का है कि दहेज प्रथा को समाप्त करना है और प्लस में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करना है। जो दहेज प्रथा जो हो रही है, तो हम लोग कास्ट में जो लड़के खोजने जा रहे हैं या हम लोग के पास लड़के वाले आ रहे हैं, तो हम लोग के घर वाले भी डिमांड कर रहे हैं, लड़के वाले के घर वाले भी डिमांड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रथा को दूर करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया जाए, या तो फिर जातीय विवाह में हम चाहते हैं कि दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए। अगर दहेज प्रथा को समाप्त नहीं करते हैं तो आज के डेट में जो भी लड़का और लड़की बालिग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अपने जीवन जीने के लिए। अगर ये दहेज प्रथा समाप्त नहीं होती है बिहार से, तो ये सामूहिक विवाह के दौरान हमने अंतरजातीय विवाह को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करूंगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसमें मतलब उनके योजना भी चलता है अंतरजातीय विवाह का। इसके विरोध में यहाँ पर और ये एक अच्छा कार्यक्रम है, यह संदेश पूरे बिहार में जाएगा
और ये एक नवगछिया में हुआ था तेतरी दुर्गा स्थान में, अच्छा कार्यक्रम यहाँ भी, यहाँ तो ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये अच्छा चीज़ है और होना चाहिए, करना चाहिए, हमको सहयोग करना। समय की जागृतियाँ जिस प्रकृतियाँ हैं अभी भी दहेज प्रथा तो मान लीजिए ये करते हैं, दहेज जिसको पैसा रहेगा वही नहीं देगा, रुकता है भीतरे भीतर दहेज देते हैं, भैया धन दौलत नहीं देखो उतना सम्मान देता है, दहेज को रुकने वाला लेकिन सरकार तत्पर है, उनका ये सोच है बाल विवाह नहीं होने दे, दहेज प्रथा को रोकने का। ऐसे ऐसे जो है संस्थान को क्या कहेंगे जो ऐसी पहल कर रही है? पर संस्थान को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हाँ शुभकामना व्यक्त करते हैं, उनका और उम्र बढ़े, उन्होंने ऐसा काम करे, हम लोगों से संपर्क नहीं कर पाए, जो परेशानी हो अगर पहले संपर्क क्या रहता है तब यहाँ क्या कहा जाए, SP DM दुनिया जहाँ ये सबको DIG सबको आमंत्रित किया गया। भागलपुर के हुसैनाबाद के कुरेसी टोला कसाई टोला में 24 जून शनिवार को विस्फोट में एक घर जमींदोज हो गया था। घटना भागलपुर पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व CT DSP अजय कुमार चौधरी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय से लेकर रेंज DIG SSP और CT DSP मामले की जांच में हुए प्रोग्रेस को लेकर पल पल की रिपोर्ट SIT के सदस्यों से ले रहे हैं। घटनास्थल पर लगातार डॉग स्क्वाड की टीम, FSL लैब की टीम, ATS की टीम, इंटेलिजेंस विभाग की टीम के अलावे कई जांच टीम लगातार जांच प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि हुसैनाबाद में हुए बम कांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार कई इलाकों में तलाशी ले रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई थी। इसी क्रम में कुख्यात बाबर को पुलिस ने उसके घर से दबोच लिया। यह पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काले रंग के शर्ट में कुख्यात अपराधी बाबर को पुलिस किस तरह पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रही है। वहीं बाबर के पुलिस के हत्थे चढ़ने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस को कुछ राहत मिली है कि इससे पूछताछ करने पर कई बातें सामने निकल कर आएगी। मामले में जो SIT है वो अपनी जाँच कर रही है और पिछले दो दिनों से पिछले जितने भी इस तरह के कांड हुए हैं उसमें उसके जो भी वांछित लोग रहे हैं, आरोप पत्रित रहे हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई है और जो एक्सप्लोसिव को जो स्नीफर डॉग है हमारा, डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी हुई है और कल भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और कल रात में भी एक गिरफ्तारी भी हुई है। पूर्व के बम ब्लास्ट बम के कांड में मुजाहिदपुर का एक कांड था उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये जो हमारा अभियान है पूरे शहर में जो भी एक्सप्लोसिव हो या इसको बनाने वाले जितने मटेरियल हैं या इसमें इस कारोबार से जुड़े हुए जितने पहले के लोग हैं सबको चिन्हित किया गया है और सभी के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, Buy 2 Get 2, Buy 1 Get 20% डिस्काउंट, Buy 2 Get 30% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, Buy 1 Get 3, Buy 2 Get 4, Buy 1 Get 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है।
और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद है, इसको लेकर भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में काफी हर्षोल्लास के साथ बकरीद मनाया गया। आपसी सौहार्द व भाईचारे के माहौल में मस्जिदों में नमाज अता की गई। देर रात कुर्बानी की तैयारी के बाद सुबह होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद जाने की तैयारी शुरू की। शहर के विभिन्न मस्जिदों में सुबह 8 बजे से नमाज के तरीके व उसके वक्त का घोषणा होना शुरू हो गया। निर्धारित समय से पहले लोग मस्जिदों में पहुंचे और नमाज के लिए बैठ गए। नमाज के बाद बधाई व मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ। नमाज के बाद अन्य समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने भी बकरीद की मुबारकबाद की, साथ ही एकता और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं हर मस्जिदों के सामने सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी सजग दिखी। अजरेली थाना क्षेत्र के तमौनी की रहने वाली छात्रा जो 12वीं क्लास में पढ़ती और भागलपुर की नसरत खाने स्थित एक लॉज में रहती है, उसने 26 तारीख को अपने घर जाकर सल्फास खा लिया, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। वहीं छात्रा ने बताया कि लॉज में उसकी दूर की एक बहन राखी भी रहती है, जिसके द्वारा बाथरूम में नहाने के क्रम में उसका वीडियो बना लिया गया था और वो अपने दोस्त तुलसी के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगी। वहीं छात्रा के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो राखी के द्वारा दोस्त के साथ मिलकर छात्रा की मां और पिता की हत्या करने की धमकी दी गई। वहीं बाथरूम में स्नान करते हुए बनाया गया वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। राखी के द्वारा ही घर जाने के क्रम में उसे जहर का पैकेट दिया गया और कहा गया कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो जहर खा लो, नहीं तो तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी जाएगी और तुम्हारे वीडियो को भी वायरल कर दिया जाएगा। जिसके बाद छात्रा ने घर पहुंचते ही जहर खा लिया और जब इसकी जानकारी घर वालों को लगी तो आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो ठीक होने के बाद बरारी पुलिस के समक्ष अपना बयान दी है और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। हम कुछ नहीं जानते थे, बेटी लॉज में रहते थे, वहाँ से घर पे आया, वो भी हम नहीं जाने कुछ भी। सुबह 6 बजे आई है घर पे, वो भी हम कुछ नहीं जाने, कोई पता नहीं हमको। हमारे साथ खाना पीना सब खाया रहा, उसके बाद फिर हम सो गए तो फिर यही 10 बजे या 9:30 बजे के बाद ये उल्टी करने लगा, दिन में उल्टी करने लगा। तो मैं सोचा क्या हो गया, तो हम उठ के बिस्तर पर से भाग के गया, बोला क्या हुआ बेटा क्या हुआ, तो पहले बोला कुछ नहीं, मैं बोला क्या हुआ बेटा तेरे गैस उस बनाए तो दबा खा ले, तब फिर बोला कि नहीं तू सब अच्छे से रहना, बोले क्यों अच्छे से क्यों रहेंगे, तेरा क्या हो गया, तू अभी आई है क्या हो गया, तो हम दवाई खा लिया। तो मैं बोला दवाई तो कहाँ से लाई क्यों खाई, इतना टा पूछ के हम फिर कुछ नहीं बोले, हम दूसरे तीसरे बुलाने चले गए, बुलाने गए तो भाग के फिर हम मायागंज आ गए। 12th मरवाड़ी पाठशाला। कहाँ रहती हो? नसरत खाने। घर कहाँ हुआ? तमौनी। तमौनी कौन थाना? कजरेली थाना। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ ब्लैकमेल का केस हुआ है। क्या कौन किया? मेरी फुफेरी बहन राखी और उसका दोस्त तुलसी। काहे क्या कहता था? कहता था कि तुम हमसे बात करो नहीं तो हम सारा तुम्हारा फोटो वीडियो सब छोड़ देंगे। वो बोले क्या पहले हम नहीं करेंगे बात, फिर वो चोरी से मेरा वीडियो फोटो बना ली और उसको भेज दी। दोनों के पास अलग अलग मोबाइल रहता था और मम्मी पापा को तुम्हारा जान से मार देंगे। भाई बोला कि हम नहीं करेंगे शादी। कहाँ फोटो खींचा था तुमने? बाथरूम में नहाते के टाइम। कौन खींची थी? मेरी बहन। कौन? फुफेरी बहन राखी। और लड़का कहाँ का? मथुरापुर का। क्या कहता था वो? कि तुम हमसे शादी करो नहीं तो जहर खा के मर जा। कौन दिया जहर? तुम कैसे खाई? तुलसी ला के दिया मनी, अपनी बहन मनीषा को। मनीषा दी राखी को, तब हमको दी वो। तुम खा ली थी जहर? बोला कि शादी करो, हम क्यों किसी से शादी करें, जब मेरा मन नहीं है तो। जहर खा ली क्यों? बोला कि नहीं खाओगे तो ना मम्मी पापा को जान से मार देंगे। तो तुम जहर खा ली? हाँ। कब? 26 तारीख को। कहाँ? अपने घर में। क्या चाहती हो?
हम इंसाफ चाहते हैं बस। श्रावणी मेला में आने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में 11 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया जाना है। शिविर में किस तरह की चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई जा रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार सिंह सुल्तानगंज पहुँचे। वहीं स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने वाले स्थलों का निरीक्षण किया, इसके बाद उनके द्वारा रेफरल अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा का भी जायजा लिया गया। मौके पर मौजूद सीएस डॉक्टर अंजना कुमारी एवं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल से संयुक्त सचिव ने मेडिसिन इंडेक्स की जानकारी प्राप्त की। मुख्यालय रवाना होने के पूर्व उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इधर सीएस ने बताया कि 2 महीने की इस मेले में डॉक्टर एवं पारा स्टाफ की 2 टीमें बनाई गई है, जो 15-15 दिन 24 घंटे स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित होकर कांवरियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। मेला की व्यवस्था के लिए तो 11 शिविर लगाया गया है, जिसमें 2 बिल्डिंग तो हम लोगों के स्वास्थ्य विभाग की है, बाकी 9 अस्थायी शिविर प्रशासन की तरफ से लगाया जाएगा। और उस शिविर में बेड और डॉक्टर, पारा मेडिकल और दवाई और जो ड्रेसिंग का सामान, जो भी जरूरत की दवाई है, एनाल्गेसिक, ये ARV ASV प्रशिक्षित NM के साथ में, प्रशिक्षित स्टाफ के साथ में 24/7 रहेगी। चूँकि मेला 2 महीना चल रहा है, इसलिए जो 2 ग्रुप बनाया गया है ड्यूटी में, 1 ग्रुप 1 से 15 करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप 15 से 30 जुलाई तक करेंगे, फिर पहला वाला ग्रुप 1 से 15 अगस्त, और फिर जो दूसरा वाला ग्रुप है वो 15 अगस्त से 30 अगस्त तक, जब तक मेला समाप्ति तक। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में मालदा डिवीजन की DRM विकास कुमार चौबे स्पेशल सेलून से पहुंचे। इस दौरान बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार, RPF इंचार्ज पीयूष कुमार, SM राजेश भारती के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान ने रेलवे स्टेशन रोड जर्जर होने पर दुरुस्त करने की मांग की। रेलवे यात्रियों की सुविधा को लेकर ट्रेन का समय सारणी की सूचना पूरे शहर में होर्डिंग बोर्ड लगाकर देने की मांग की। रेल यात्रियों एवं कांवरियों को ठहरने के लिए जगह बढ़ाने की मांग की गई। इन सभी बिंदुओं पर DRM विकास कुमार चौबे ने जल्द कार्य होने की बात कही। इस दौरान DRM विकास कुमार चौबे ने मीडिया को बताया कि कांवरियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी ट्रेन का ठहराव एवं श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को प्रतिदिन करते हुए सालों भर चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कांवरियों की सुरक्षा के लिए हर समय स्टेशन में रेल पुलिस बल तैनात रहने की बात कही। इस दौरान रेल विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। स्टाफ इसका भी प्रबंध किया है, ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय से हम लोग टच में हैं और वो भी एडिशनल स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 360 डिग्री सभी पहलुओं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा है। जो जो बिंदु हम लोगों ने रेज किए थे उस पर भी विचार हो रहा है। इनफैक्ट सैटरडे को, अगले शनिवार को, ADRM महोदय जो डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर हैं और जो सीनियर DCM का कार्यभार देख रहे हैं, उनके साथ दोबारा यहाँ पे आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे समन्वय बैठाना है, कंट्रोल रूम कैसे रहना है, यहाँ पे कौन कौन स्टेट के अधिकारी लोग रहेंगे, रेलवे के अधिकारी जो मेला क्षेत्र में रहेंगे, ताकि बहुत अच्छा तालमेल रहे, ये स्थापित किया जाएगा। और हम लोग बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भागलपुर शाखा के द्वारा सावन फेस्ट एग्जीबिशन का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में किया गया। 2 दिनों तक चलने वाला यह सावन फेस्ट एग्जीबिशन 29 और 30 जून को आयोजित किया गया है, जहां एक ही छत के नीचे ज्वेलरी, बेडशीट, सूट, साड़ी, राखी, होम डेकोर, लजीज व्यंजन, बेकरी, हैंडमेड प्रोडक्ट, गेम और मनोरंजन के साथ कई चीजों का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। आज सुबह से ही सावन फेस्ट एग्जीबिशन में लोगों की भीड़ देखी गई और लोगों ने जमकर खरीद दारी भी की और लजीज व्यंजन का भी स्वाद चखा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भागलपुर शाखा के अध्यक्ष सुनीता सर्राफ, सचिव मीनू सलारपुरिया, कोषाध्यक्ष रैना गोयनका के साथ संयोजक निशा सर्राफ, अरुण सिंघानिया, ज्योति खेतान, अनु शर्मा, कुसुम मवड़िया, संध्या महेशका, मीना चौधरी, मीरा कोटरीवाल के अलावा दर्जनों महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। आज का सावन आने वाला है, इसके लिए हम लोग ये एग्जीबिशन लगाए हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो लेडीज़ लोग हैं वो अपने घर में काम करती हैं, वो बाहर आकर स्टॉल लगाएं ताकि उनकी पहचान बने और वो लोग आगे बढ़ें। यही है, उन लोग आगे बढ़ाने का ही हमारा उद्देश्य है। कितने दिनों तक चलेगा ये? 2 दिन का है।
आज और कल। नाम परिचय भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष